हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बंगाल की संस्कृति को प्रदर्शित करती बंगाली दुर्गा पूजा का भव्य आयोजन इंडोर स्टेडियम में गीतांजलि कल्चरल एंड वेलफेयर सोसाइटी अजमेर द्वारा किया जा रहा है। 32वें श्री श्री शारदीय दुर्गा पूजा महोत्सव का विधिवत शुभारंभ शुक्रवार को किया गया। इस मौके पर शाम को आनंद मेले का आयोजन किया गया, जिसमें कई तरह के बंगाली व्यंजनों का आनंद उठाया। शनिवार को महासप्तमी की पूजा के मौके पर सुबह पुष्पांजलि, आरती और भोग का आयोजन किया गया। साथ ही दिन भर विभिन्न मनोरंजक कार्यक्रम आयोजित किए गए। शाम को संध्या आरती के साथ माता के दर्शन कर सभी मंत्रमुग्ध हो गए। साढ़े आठ बजे से पूजा स्टार्ट हो जाती है और करीब एक बजे तक पूजा चलती रहती है। उसके बाद भोग का कार्यक्रम होता है, दो बजे से भोग का कार्यक्रम शुरू हो जाता है जो कि साढ़े तीन बजे तक चलता है। उसके बाद शाम को साढ़े सात बजे दोबारा आरती शुरू होती है, आरती साढ़े सात से साढ़े आठ के बीच में होती है। उसके बाद पौने नौ बजे से कल्चरल आइटम शुरू हो जाता है। आज कोलकाता के जी बंगला आर्टिस्ट द्वारा डांस ड्रामा प्रस्तुत किया जाएगा। शारदीय नवरात्र में कन्याओं में शक्ति स्वरूपी माता के नौ रूप मानकर उनकी सेवा की जा रही है। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री अनीता बधेल ने प्रदेशवासियों से कहा कि वे वास्तव में बेटियों की कद्र करें, उनके पोषण और शिक्षा पर ध्यान दें, तब जाकर बेटियां और महिलाओं के प्रति सही सम्मान होगा। बधेल ने शनिवार नागफणी इलाके में हिंदू जागरण मंच की ओर से आयोजित कार्यक्रम में कन्याओं का पूजन कर खाना खिला रही थी। इस मौके पर मंत्री बधेल ने मौजूद लोगों से कहा कि वे बेटियों के पालन पोषण पर पूरा ध्यान दें, उनके सर्वांगीण विकास से समाज और देश को मजबूती मिलेगी। कार्यक्रम में उपमहापौर संपत सांकला भी मौजूद रहे। हिंदू जागरण मंच के संयुक्त तत्वावधान में 251 कन्याओं को भोजन खिला करके उनको पूजन का कार्यक्रम यहाँ रखा गया है। ये साहू जी की बगीची में जो माता के जागरण और माता के जो गरबा का कार्यक्रम है, उसके साथ ही आज ये सप्तमी के अवसर पर 251 कन्याओं को एक साथ कन्या पूजन का कार्यक्रम है। आज नागफणी क्षेत्र के अंदर कन्या पूजन का आयोजन किया गया, जो कि वार्ड संख्या 4 के तहत ये आता है। यहाँ के राजेंद्र जी पंवार पार्षद द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में कन्या पूजन किया गया, जो कि लगभग 251 से अधिक बालिकाओं का पूजन किया गया। ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं कन्या पूजन के माध्यम से कि एक समरसता का भी एक भाव इसके अंदर देखने को यहाँ मिला है कि हर वर्ग की कन्याओं का यहाँ पूजन किया गया, हर कन्याओं के साथ में बैठ करके सहभागी बन करके यहाँ पूजन किया गया है। कार्यकर्ताओं से बातचीत के माध्यम से इस कार्यक्रम को इस बार कुछ अलग तरीके से, अलग लीक से हटकर कार्यक्रम को आयोजन करने की योजना बनी और इसी क्रम में अभी आज 251 कन्याओं का कन्या पूजन का कार्यक्रम हमारे क्षेत्र की जो बालिकाएँ आसपास के विद्यालयों में पढ़ती है उनको यहाँ एकत्र किया है और आदरणीय मंत्री महोदय, महिला एवं बाल कल्याण विभाग की जो मंत्री हैं वो हमारे इस कार्यक्रम में पधारी है। आदरणीय उपमहापौर इस कार्यक्रम में पधारे हैं। विश्व हिंदू परिषद की जो अधिकारी हैं श्रीमती अलका गौड़, वो हमारे इस कार्यक्रम में पधारी हैं। शुभदा संस्था द्वारा शारदीय नवरात्र में आयोजित निशक्त की शक्ति पूजा के दौरान शनिवार को स्पेशल बच्चों ने माता के विभिन्न रूप धारण कर कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर विशेष बच्चों की आरती उतारकर उपस्थित भक्तों को प्रसाद वितरित किया गया। हमारे स्कूल में हर वर्ष की भांति नवरात्रि मनाए जाते हैं, तो पहले दिन से और आज लास्ट दिन किया गया है जो नवमी पूजी गई है, जिसमें सभी कन्याओं को तैयार करके और प्रसाद और आरती करने के बाद प्रसाद का वितरण किया गया है। आज हमने ये समापन किया है क्योंकि नवरात्रि आज पूरे हो रहे हैं, तो सभी निशक्त और शक्त की जो पूजा की गई है उसका समापन है आज। यहाँ शुभदा एनजीओ में आके हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे हमने बच्चों को तैयार होते हुए देखा, यहाँ पे आरती अटेंड करी, इन कैसे ये बच्चों को संभालते हैं, कितना ध्यान रखते हैं, ये देख के हमें बहुत अच्छा लगा।
बस यही विश करती हूँ कि ये एनजीओ और भी अच्छा चले, ये बच्चे जैसे दिख रहे हैं और अच्छे बने, तो इनकी स्वस्थ रहें बच्चे। शारदीय नवरात्र के अंतर्गत नगर निगम के तत्वावधान में मनाए जा रहे दशहरा महोत्सव के तहत जवाहर रंगमंच पर मंचित किए जा रहे रामलीला के दौरान शुक्रवार को भगवान श्री राम के वनवास जाने से दुखी महाराज दशरथ का विलाप करना और इस दौरान उनके निधन की लीला का मंचन किया गया। इस करुणामय दृश्य को देख सभागार में मौजूद दर्शकों की आंखें भी नम हो गयी। लीला के दौरान भरत और शत्रुघ्न के ननिहाल से वापस लौटने और मंथरा पर क्रोधित होने, साथ ही भगवान श्री राम को मनाने के लिए चित्रकूट जाने, केवट संवाद, जैन प्रसंग, संत मिलन और चित्रकूट में पहुंचने जैसे प्रसंगों का भावपूर्ण मंचन किया गया। करती है ये, देखो चल पड़ी बेचारा, जय हो जय हो जय हो, थोड़ा सा ही बल्ली का प्रयोग करना पड़ता है और वैसे चल पड़ती है बेचारी जो है क्या। हाँ देखो कितनी अच्छी चलती है, जय हो जय हो जय। हाँ एकदम पार पे लगा दू भगवान, एकदम पार पे लगा देता हूँ। से प्राण सुधारने लगेंगे उस समय आप ये नहीं पूछना कैसा इसने पुण्य किया कि पाप किया, ये सब पूछने की बात नहीं होनी चाहिए जैसे मेरे पास। वही पुष्कर में श्री ब्रह्म पुष्कर सेवा संघ के तत्वावधान में पुष्कर नगर पालिका के सहयोग से भव्य रामलीला का मंचन प्रधान वराघाट पर किया जा रहा है। शुक्रवार को रामलीला में राम हनुमान मिलन, राम सुग्रीव मिलन, मित्रता, बाली सुग्रीव युद्ध, जामवन संपाति संवाद, हनुमान जी का सागर लांगना, सुरसा हनुमान संवाद, लंकिनी का मूर्छित होना, हनुमान विभीषण संवाद, अशोक वाटिका, अक्षय कुमार वध, लंका दहन, हनुमान जी का वापस राम जी के पास लौटना आदि प्रसंगों का मंचन किया गया। युद्ध में मैं जाऊं ना जाऊं वहीं पटेल मैदान में नगर निगम की ओर से दशहरा महोत्सव के अंतर्गत आयोजित किए जा रहे गरबारास कार्यक्रम के दौरान विभिन्न लोकगीतों और पैरोडी फिल्मी गीतों पर युवक युवतियां और बच्चों ने गरबा दांडिया खेलकर मां दुर्गा की आराधना की। इस मौके पर मंडल रेल प्रबंधक पुनीत चावला और मेयर धर्मेंद्र गहलोत ने मां दुर्गा की आरती कर गरबारास का शुभारंभ किया। यहां देर रात तक गरबे के विभिन्न राउंड खिलाए गए। शुक्रवार को फैंसी ड्रेस पर आधारित स्पेशल राउंड खिलाए गए जिनके विजेताओं को आखिर में पुरस्कृत किया गया।
आयोजन रखा गया था, इसीलिए आज ये सब मैंने अपनी मेहनत से बनाया है। और ये जो भी कृष्ण भगवान का मेकअप वगैरह है, ड्रेसिंग है, ये सब मैंने अपनी मेहनत से बनाई है। पहला पुरस्कार अपने हाथ से हैंडवर्क वगैरह सब मैंने, मेरा बुटीक है, बुटीक का काम करता हूँ मैं, और इसलिए मैंने अपनी मेहनत से दिल और जान से बनाया है। सब लोग सोल्जर बने हैं, आज फैंसी ड्रेस डाउन था तो हमने सोचा क्यों ना अपने सोल्जर्स को ट्रिब्यूट करें, ठीक है। तो हम सब सोल्जर बन के यहाँ पे खेल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। कितने जनों का ग्रुप है आपका और क्या क्या? हमारे 8 जनों का ग्रुप है। हमने जवानों का वेश इसलिए धारण किया है क्योंकि जो हमारे जवान शहीद हुए हैं उनको हम सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं और पाकिस्तान को ऐलान करना चाहते हैं, जब इच्छा हो जन गण आ जाए। ये हमने ड्रेस इसलिए पहनी है ताकि हमारे सेना के जवानों का हौसला बढ़े और वो जाने कि हमारी भारत की जनता पूरी सेनाओं के साथ है और पाकिस्तान को एक दिन खत्म कर देगी हमारी सेना, ये हमारा विश्वास है और रहेगा। इसी तरह भजनगंज, अलवर गेट सहित शहर के अनेक हिस्सों में गरबा दांडिया रास का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय बालक बालिका और युवक युवतियों ने भाग लेकर दांडिया खेला। जयपुर रोड से सेंट विल्फ्रेड ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में शुक्रवार को दांडिया नाइट का आयोजन किया गया। दांडिया नाइट का उद्घाटन प्रोफेसर एके सिंह ने किया। इस मौके पर संस्था के छात्र छात्राओं ने रंग बिरंगी पोशाकें पहनकर विभिन्न बीट्स पर दांडिया और गरबा रास की प्रस्तुति देकर समा बांधा। इस मौके पर बेस्ट दांडिया कपल, बेस्ट दांडिया कॉस्ट्यूम, बेस्ट दांडिया किट्स और बेस्ट दांडिया ग्रुप को पुरस्कृत किया गया। शारदीय नवरात्र के दौरान माता रानी को रिझाने के लिए भक्त गरबे, दांडिया, भजन संध्या और जागरण के आयोजन कर रहे हैं। इन दिनों शहर के हर एक इलाके में जागरण की धूम नजर आ रही है। शुक्रवार रात पाल बिचला से चौहान नगर सोलंग की बस्ती में जय अम्बे मित्र मंडल की ओर से माता रानी के विशाल जागरण का आयोजन किया गया। जागरण में भजन गायक अजय सिंह देवड़ा और कुमारी ज्योति ने अपने सुंदर भजनों की प्रस्तुति से पंडाल में मौजूद माता भक्तों को झूमने पर मजबूर कर दिया। वहीं नगरा स्थित कैरिज ग्राउंड के सामने माता रानी के 19वें विशाल जागरण का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से आए भजन गायकों ने सुंदर भजनों की प्रस्तुति देकर माता की आराधना की। भजन गायक अलीगढ़ के विमल दीक्षित पागल और जयपुर के रमेश चौधरी ने मां भगवती के भजनों की सुंदर प्रस्तुति देकर भक्तों को भाव विभोर कर दिया। सबकी किस्मत जागी है आप तेरे दरवाजे पर, सबकी किस्मत जागी है आप तेरे दरवाजे पर। अभी तो तेरे भक्तों की, अभी तो तेरे भक्तों की भीड़ दर पे लागी है, सबकी किस्मत तो सबकी किस्मत जागी है आप तेरे। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के नवाब का बेड़ा स्थित वैल्यू एजुकेशन सेंटर पर नव दुर्गा की चैतन्य झांकी का दर्शन कर भक्त मंत्रमुग्ध हो गए। झांकी का शुभारंभ राजयोगिनी शांता बहन, बीके आशा बहन, अंकिता बहन, इंदिरा बहन और बीके ओम प्रकाश भाई ने द्वीप प्रज्वलन कर किया। काल रात्रि कुष्मांडा, स्कंद माता, सिद्धिदात्री, शैलपुत्री, महागौरी, नव दुर्गा, कात्यायनी की सुंदर चैतन्य झांकी सजाई गई। बीके रमेश ने बताया कि झांकी का दर्शन नवमी तक किया जा सकेगा।